हेलो जी दोस्तों, राम राम जी। कैसे हो आप सब लोग? मैं आप लोगों को अपने खेत में लाया हूँ घुमाने के लिए। और ये है, ये इसको बीन्स कहते हैं, कुछ लोग इसको लतरी और कुछ लोग बोड़ो भी कहते हैं, कहीं कहीं पे बोला जाता है। ये इसका खेत है और इसमें फल आना शुरू हो गया है। खैर अभी स्टार्टिंग में है इसका। और ये रहा इसका, काफ़ी बढ़िया फल लगा हुआ है इसमें। और ये बगल में बैंगन का खेत है, इसमें अब फूल भी आ रहे हैं, अब नए नए फल इसमें आ रहे हैं। जैसे अब दिखाता हूँ आप लोगों को, ये हो गए हैं। इसमें कुछ काने भी हो रहे हैं, मतलब इसमें कीड़े चल रहे हैं। जैसे ये देखिए, ये गर्मियों गर्मियों कारण ना ज़्यादा इसमें कीड़े लग जाते हैं आजकल बैंगन में। ये ऐसे हो जाता है ये। और ये पालक का है, पालक ये बीज बन जाएगा, ये पालक का ये सूख जाएगा, इसके बाद ये इसका बीज बन जाएगा। ये लंबे वाला बैंगन है और ये है ये गोल वाला बैंगन। ये देखिए गोल वाले बैंगन, ये और इधर देखिए, ये काफ़ी हरा भरा खेती, मतलब खेती करने में अच्छा भी लगता है और काफ़ी हरा भरा होता है और देखने में भी सुकून मिलता है खेतों को। शहरों में कहाँ मिलता है ये सब चीज़ें। यह है पीपल का पेड़ और वो इधर वो पोखरा है, एक तालाब है बहुत बड़ा, उसमें मछलियाँ पड़ी हैं। और यह है मेरे भिंडी का खेत, भिंडी इसमें। कल मैंने एक इस पर रील बनाया था भिंडी पे, और उसमें मैंने एक गाना डाला था, मेरे देश की धरती उगले उगले हीरे मोती जो भी हो। और उसमें मैंने देखा कि कॉपीराइट आ गया पहले ही उस मेरे भिंडी पे, भिंडी के रील पे। हाँ ये है भिंडी के फूल बिल्कुल। अब इसका ये आज शाम को टूटेगा और वो उधर उस साइड वाला सुबह टूटा था, और ये आज शाम को ये वाला टूटेगा। और ये है पेठा, इसको कद्दू भी बोलते हैं। और मेरे साइड में खास तौर से यूपी में, ईस्टर्न यूपी में, जो जैसे गाजीपुर हो गया, आजमगढ़ हो गया, मऊ हो गया, इधर इसको कोहड़ा भी कुछ लोग बोलते हैं, मतलब। हाँ इसमें भी काफ़ी अच्छा खासा फल आया है। और इधर का इस एरिया, इस हिस्से का आधा तोड़ दिया गया है और उधर है, उधर उस वाले साइड में। देखिए दोस्तों, गिरा देखने में काफ़ी बढ़िया भी लग रहा है, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा फ्रेश। ये देखिए एक ये रहा, वो रहा। और खैर खेती है इसमें, ऐसे ये सब सड़ना गलना लगता ही हमेशा लगा रहता है। ये देखिए मेरे भिंडी का खेत दोस्तों। दोस्तों अगर आप लोगों को पसंद आए मेरा वीडियो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना गाइस, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं नए नए वीडियोस बनाते रहूं अपने गांव पे। और गांव भी दिखाऊंगा किसी दिन आपको, और अपना घर भी दिखाऊंगा। और जो कि ख़ास तौर से हम फार्मिंग करते हैं, खेती, तो खेती से रिलेटेड जानकारियां भी देता रहूंगा। ओके गाइस, बाय बाय, सी यू, राम राम जी।